नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेंद्र सोने जी, मोटिवेशनल स्पीकर और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज मैं आपके सपनों के बारे में बात करने आया हूं। सपने, क्या सपने कभी सच हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हम अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं? जी हां, बिल्कुल बदल सकते हैं। मगर कैसे? हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं? अपने सपनों को रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं? आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। आप जो भी सपना देख रहे हो, आपने हर एक सपने को आप साकार कर सकते हो। कैसे? जब हम कुछ सोचते हैं अपने बारे में, सपना देखते हैं या कुछ इच्छाएं हमारे मन में आती है कि हमको क्या करना है भविष्य में, क्या चाहिए भविष्य में, बहुत सारे सपने लेके हम जीते हैं। तो जो हमारे सपने हैं ना, वो सिर्फ एक ख्वाहिश है, सिर्फ एक ख्वाहिश। अब उनको हकीकत में बदलने का टाइम आ गया है। उसको हकीकत में बदलने के लिए क्या करना होगा कि जो भी अपने सपने हैं, जो भी अपनी इच्छाएं हैं, उनको कागज पे लिखना होगा। यस, उसको कागज पे लिखना होगा, जिसको कहते हैं गोल्स। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाए हैं, चाहे शॉर्ट टर्म गोल्स हो या लॉन्ग टर्म गोल्स हो? क्या कभी बनाया? क्या कभी आपने उन गोल्स को फॉलो किया है? क्या कभी अपने सपनों को साकार करने की कोशिश की है? अगर नहीं की है तो अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छाएं है, जो भी आप सपना देख रहे हो, उसको सिर्फ कागज पे उतारना है। कागज पे उतारने के बाद में अपने को करना क्या है, उसके बाद कि हम उसको कैसे साकार करेंगे, उसकी प्लानिंग, वो प्लानिंग भी कागज पे लिखनी है अपने को। कागज पे प्लानिंग लिखने के बाद में अपने को क्या करना है, उसके बाद उसके ऊपर अमल करना। जब हम उसके ऊपर अमल करेंगे, जब हम उसके ऊपर एक्शंस लेते हैं, तब आते हैं लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, तब आती है परेशानियां। जब हम काम करते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, तो बीच में आते हैं ऑब्स्टेकल्स, बीच में आती है परेशानियां, बीच में आते हैं चैलेंजेस। तो उन सब चीजों को अपने को ओवरकम करना है, डट के मुकाबला करना है, हर एक मुसीबत का, हर एक चैलेंज का डट के मुकाबला करना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। हमको लक्ष्य की शुरुआत की डेट, कि हम कब से शुरू करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य के ऊपर कब से काम करना शुरू करेंगे, जो प्लानिंग हम करेंगे उसमें स्टार्ट डेट, कि स्टार्ट कब करेंगे, और बाद में लास्ट में आता है एंड डेट, कि मैं इसको कब तक पूरा करूंगा। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट बहुत जरूरी है, और उसके बीच का जो सफर है, उसके बीच का जो सफर है, अभी उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए अपने को चाहिए डटे रहना, अपने काम के ऊपर डटे रहना, अपने लक्ष्य के ऊपर डटे रहना। अभी इसका मैं ना आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला भी देता हूं कि जो लक्ष्य आपके हैं जीवन के, तो क्या आपके लक्ष्य आपको इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं? हाँ, हमको हमारे लक्ष्य प्रेरित करते हैं, हमको इंस्पायर करते हैं। तो इंस्पिरेशन जब आती है अपने लक्ष्य को लेके, तब हम मोटिवेट होते हैं, तब हमारा प्रोत्साहन बढ़ जाता है, जोश, जुनून, एकदम पागलपन की हद तक हम कोशिश करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो हाई लेवल का मोटिवेशन, और ये हाई लेवल का मोटिवेशन कब आता है, जब अपने अंदर वो चिंगारी, जो आग है इंस्पिरेशन, वो जब जग जाती है, तब
तो इंस्पिरेशन के बाद में अपना मोटिवेशन लेवल जब बढ़ जाता है, मोटिवेशन लेवल बढ़ने के बाद में वो जुनून, वो जोश रहता है कुछ करके दिखाने का, कुछ चीज़ को हासिल करने का, तो वो उसके ऊपर हम लोग काम करने शुरू करते हैं, एक्शन लेना शुरू करते हैं। और जब एक्शन लेते हैं तब रास्ते में आती है रुकावटें, तो उन रुकावटों के सामने घुटना नहीं टेकना, मुसीबतों के सामने घुटना नहीं टेकना है, उनको हमको डट के मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है, यानी कि डटे रहना है अपने जीवन के सपनों को साकार करने के लिए। दुनिया वाले बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते, लेकिन हमको मन ही मन में यह मानना है और ये ठान लेना है, अपने पर भरोसा रखना है कि मैं मेरे सपनों को साकार कर सकता हूँ। और जब हमने ये ठान लिया कि मैं मेरे सपनों को साकार कर सकता हूँ, तो उसका मतलब मैं मेरे सपनों को साकार कर सकता हूँ। तो अपने जीवन के जो भी सपने हैं उनको हम हकीकत में बदल सकते हैं। सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है, डट के ईमानदारी से उसके ऊपर काम करना है, हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, कठिन परिश्रम करना है, क्योंकि बिना कठिन परिश्रम के आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तो जो भी आपके सपने हैं आप उनको साकार कर सकते हो, उनको हकीकत में बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जोश, जुनून, एक पागलपन चाहिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, हार नहीं मानने का, प्रॉब्लम के सामने, चैलेंजेस के सामने घुटना नहीं टेकने का, डटे रहने का जब तक कि वो लक्ष्य अपने को प्राप्त नहीं हो जाता। तो हम अपने जिंदगी में कोई भी सपना देखें, बड़े से बड़ा सपना देखें, उसको भी साकार करने की हम हिम्मत रखते हैं, और आप भी अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखते हो और उसके ऊपर काम कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, तो आपके भी सपने साकार हो जाएंगे। जैसे सबके होते हैं वैसे आपके भी होंगे। डटे रहिए जब तक कि आपका सपना साकार नहीं हो जाता। डटे रहिए। थैंक यू। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logivader.com.